बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपने एपी पढ़ लिया होगा, बेशक आपने एपी लगा लिया होगा, लेकिन अब जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका नज़रिया दूसरा होगा, तो आपका सोचने का तरीका एकदम अलग होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया था CBSE एग्ज़ाम 2017 में, बोर्ड ने पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हैं क्या फाइंड करना है, 17 टर्म फ्रॉम एंड। ये ध्यान रखना, बच्चे एग्जाम के प्रेशर में जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, पहले वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनो, एंड बोल रहा है बेटा, एंड बोल रहा है। एंड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई हमें एंड से निकालना है, TNF टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा बच्चों, L देखो उसका क्या होता है, इसका होता है शुरू से अगर निकालोगे, बिगिनिंग से, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर लास्ट से निकालोगे तो यहाँ a की जगह पे l हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, बस एक ही याद रखेंगे, उसी में चेंज कर लेंगे। a की जगह पे l कर दिया, साइन माइनस कर दिया, बाकी सब ऐसे ही उतार लिया, तो ये एंड का फॉर्मूला बन गया। बस अब कोई दिक्कत नहीं, देखो लास्ट टर्म कितना है। एग्जामिनर ने कन्फ्यूज करने के लिए आपको देखो दो डिजिट दे रखी है, तो आप सोचेंगे इसका भी यूज़ करेंगे, नहीं, जो लास्ट में वही लास्ट टर्म होगा, यानी 216। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 17। डिफरेंस कितना है, 6 में 1 घटाइए 5, चेक कर लीजिए कितना आया, 216 माइनस 80, देख लो बच्चों कितना आएगा, ये आया आपका 136। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये एक और क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपके 2017 में, CBSE ने पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। देखिए हम क्यों प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, क्योंकि जब CBSE क्वेश्चन पेपर बनाता है तो बहुत चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चन हूबहू थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाते हैं, इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। इसको करने के बाद बच्चों आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए ओके। तो ध्यान देंगे क्या दिया है, 21th टर्म, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, तो A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 दिया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। देखो A21 का मतलब क्या हुआ कि 21th टर्म, और A7 का मतलब क्या हुआ, 7th टर्म का डिफरेंस कितना है, 84। तो कुछ नहीं करना है, सुनिए A21 कितना होगा बच्चों, A प्लस 21 माइनस D। अगर कोई सीरीज है, आप जानते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना, हमें A पता है ना D पता, लेकिन N पता है, तो N रख दीजिए। ठीक है, ये इसका हो गया 21th टर्म। अब इसी तरह 7th के लिए क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 D लगा दीजिए, और यहाँ लगा दीजिए 84। बस अब आपका काम हो गया, देखिए ये कितना आया बच्चों, A प्लस 20D माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट ध्यान से लगाना है, A प्लस 6D, जो कि साथ में एक गया 6 बचा, यहाँ पे 84। अब देख लीजिए बच्चों, a प्लस 20D माइनस a माइनस 6D इज इक्वल टू 84। a कट गया, 20 में 6 गया 14, 84। d कितना आ गया, 84 अपॉन 14, ये कितना आ गया 6। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर फंसा लेता है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE ने 2016 एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो बच्चों कैसे करोगे इसको, अब आप कहेंगे सर अब इस रूट का हम कैसे डिफरेंस निकालें, तो यहाँ बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालना थोड़ा कठिन होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्ट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी रूट से जितना बाहर निकल सकता है निकाल लेंगे, तब करेंगे। देखो बच्चों कैसे, इस सीरीज को कुछ ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, इसी तरह अंडर रूट 18 का फैक्टर करके क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 2। अब ये सीरीज ऐसे चल रही है, अब देखो ये तो ऐसे ही आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया क्योंकि पेयर बन रहा है, स्क्वायर के अंदर से कोई चीज़ 2 बार में 1 बार बाहर आ जाती है, ठीक है, इसी तरह यहाँ 3 बाहर आ गया, अब ये सीरीज बन गई। अब आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए पहले आपको इतना करना पड़ेगा, कोई भी रूट के अंदर आता है तो आपको इस तरह करना होगा, ए कितना हो गया अंडर रूट 2, डिफरेंस कितना हो गया 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2, तो बच्चों 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो रूट 2 बचा, ओके। एन कितना है बच्चों, 10, तो बस अब लगा दीजिए, आप क्या लगाएंगे, TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भरिए जरा, ए कितना है फिल करिए, रूट 2, एन कितना है 10 माइनस 1
डिफरेंस कितना है रूट टू का, कितना आएगा बच्चों रूट टू 9√2 मिला के कितना आया 10√2, ये आ गया टी हमारा 10th टर्म। तो रूट था, देखेंगे घबरा जाएंगे नहीं करेंगे, लेकिन है बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, बस हमको सिंप्लीफाई कर लेना है सर्ट्स को बस, उसके बाद जहाँ जहाँ जो होता है वो रख देना है। चलें चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, पिछली साल भी पूछा गया, इस साल अभी री एग्ज़ाम हुआ कंपार्टमेंट वालों का, उसमें भी ये सवाल पूछा गया इस तरह से कि कोई 3 टर्म AP में है उसमें से कोई एक अननोन वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान देना होता है जहाँ बच्चे गलती करते हैं। देखो ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। रूल क्या होता है कि सेकेंड में फर्स्ट माइनस करिए उतना ही आएगा जितना कि थर्ड में सेकेंड माइनस करिए। दिस माइनस दिस, ध्यान रखना दिस माइनस दिस मत कर देना, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड करिए। देखिए 3K+3 ब्रैकेट में रखना, नहीं तो बच्चे गलत हो जाएगा। ये आया थर्ड वाला कितना है हमारा 5K-1, सेकेंड वाला कितना है बच्चों 3K+3। अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट अब ओपन कर रहे हैं, माइनस से ओपन कर रहे हैं तो 2K-1, ठीक है ये हमारा आया 5K-1, इसको ओपन कर दीजिए उसी तरह, तो ये -3K और ये ±-3। अब सुनो 3K में 2K चला गया, सिमिलर में कर लीजिए, ये कितना हो गया सिर्फ K बचा, 3 में 1 गया 2 बचा, यहाँ पे 5K में 3K चला गया 2K बचा, और ये -- ऐड हो गया -4। अब क्या करो बच्चों 4 को इधर ले आओ या K को इधर ले आओ, और उधर बचा -4, ये उधर गया इतना, तो ये आया -K = -6। नाउ K = -, काट दीजिए तो K कितना आ गया 6 आ गया। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, हमेशा पूछ लेता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है, बस जैसे बताया वैसे कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, सेकंड में फर्स्ट थर्ड में सेकंड, बस सिंपल नोट कर लीजिए बच्चे। बच्चों ये भी CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। ये आया था बच्चों 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, नहीं फाइंड द कॉमन डिफरेंस नहीं है सॉरी, इफ दिया हुआ है, इफ द कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमारा कितना गिवन है बच्चों 3, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है A15 - A9 पढ़ा रखा है मैंने, A को आप टी भी ले सकते हैं है ना, T15 - T कोई पर्टिकुलर टर्म T9। अब देखिए 15 का मतलब क्या होता है एक कम A+14D माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस बहुत ध्यान से लगाना, ये आया 8D, तो देखो बच्चों कितना आया A 14D, ये माइनस है -8D। अब ए तो कट गया, 14 में से 8 गया 6D, हाँ ठीक है। अब देखिए D का यूज़ कर लीजिए क्योंकि D गिवन है, ठीक D 3 यहाँ पे, क्यों क्योंकि D आपका 3 दिया है तो यहाँ रख सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया 18। देख लीजिए बच्चों ये छोटे क्वेश्चन है बच्चों 1 मार्क्स के, अभी इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है बच्चों चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन है फंसने वाला, मतलब यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, देखो बच्चों वही मैंने क्वेश्चन चूज़ किए हैं, आसान वाले बिल्कुल क्वेश्चन नहीं चूज़ किए हैं, वही क्वेश्चन चूज़ किए हैं जहाँ आप फंस सकते हैं, ठीक फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस सीधे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये आपका एक AP है जिसमें से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, सेकेंड में फर्स्ट माइनस करते हैं और थर्ड में सेकेंड माइनस करते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें से अगर इसमें से ये माइनस करिए तो उतना ही आएगा इसमें से माइनस करना, ये रूल होता है डिफरेंस का, क्योंकि कॉमन है तो कॉमन डिफरेंस आएगा। सेकंड कितना लिखेंगे 1 - P/P, फर्स्ट 1/P, थर्ड कितना है 1/2P/P, सेकंड कितना है 1 - P। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो गलत नहीं होगा, PLCM आया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अच्छा एक मिनट, हम सिर्फ इतना ही कर लें क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकालना है ना, कोई वैल्यू फंसा नहीं रखी, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 - P/P और 1/P, ठीक देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो कैसे करोगे, PLCM ले लो तो 1 - P - 1, तो ये 1 से 1 कट गया, -P और P कट के कितना आया -1, ठीक यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन था ऑप्शन में। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कह रहा है nth टर्म ऑफ एपी इतना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे जो दो एक्सरसाइज आपने पढ़ी, एक फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला और एक सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या, देखिए nth टर्म का मतलब क्या दिया है, tn या an, जो भी आप पढ़े हो an tn दोनों होता है, ठीक, कोई पर्टिकुलर टर्म कितना है बच्चों 2n प्लस 1। अब देखिए इसमें आप क्या करिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, पहले 1 रखिए तो आपका a1 कितना मिलेगा, यानी फर्स्ट टर्म कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 आ गया। अगर a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 आ गया, और a3 जब निकालेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7 आ गया, बस इतना काफ़ी हमारे लिए। ap कितनी बन गई बच्चों हमारी, ap क्या आ गई, ap हमारी बन गई यही क्या 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, अब बन गया। अब हमें फर्स्ट थ्री टर्म का सम निकालना है, तो ऐसे ही आप सम निकाल लो, नम ना लगाइए फार्मूला इसमें, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लगा सकते हैं 3 5 7, क्योंकि ये पहला दूसरा और ये थर्ड, इन्हीं का सम निकाल दीजिए, ऐसे भी फार्मूले से वही आएगा बता दें करके, ठीक है 3 5 3 5 8 8 7 15। और फार्मूले से चेक करना चाहते हो तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, कैसे देखो SN का फार्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ रखो बच्चों n कितना है 3 है, 3 अपॉन 2 क्योंकि फर्स्ट 3 बोला है, 2 इंटू a, a हमारा 3 है, फिर 3 और डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों 2 का, चेक कर लो इसको सॉल्व करके, वही आएगा जो हमने ओरल उधर सॉल्व कर दिया बिना फार्मूले के, देखो 6 4, ठीक 3 अपॉन 2 6 4 10, 2 5 जा यानी 3 इंटू 5, तो कितना आया बच्चों 15, इधर भी 15 आ रहा, फॉर्मूला भी ऐसे ओरल भी, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है मैं बता दे रहा हूँ आपको, बच्चों ये आया है 2012 में, सीबीएसई ने पूछा है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। हमने अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि जब भी कोई एपी आपकी इस तरह दी हो तो पहले फैक्टर कर लीजिए, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, यानी 3 × 3 × 2 फैक्टर कर लेंगे, इसका करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 2 करके देख लीजिएगा, इसका करेंगे तो आएगा 7 × 7 × 2। अब बच्चों इसमें देखिए क्या, 3 बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया आउट, इसका पेयर बन गया 1 5 आउट, दो रहते हैं एक बाहर आ जाता है, दोनों ख़त्म हो जाते हैं, 7 आ गया 2 बचा, ठीक। तो अब ये सीरीज आपकी बन गई। अब इसमें क्या पूछा, नेक्स्ट टर्म पूछा है, तो डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 5 √2 में से 3 √2 माइनस कर दीजिए तो कितना आया 2 √2, यानी 2 √2 आगे वाले में जोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट टर्म बच्चों कैसे लिखते हैं, जो ये है इसके आगे ये डिफरेंस जोड़ दीजिए, दिस इज नेक्स्ट टर्म बच्चों, ये 7 √2 तो है ही है यहाँ पर, इसके आगे क्या आएगा डिफरेंस ऐड कर लीजिए, कितना आया 9 √2, यहाँ पे 9 √2 आएगा। अब इसके पूछे इसके आगे क्या आएगा, तो फिर इसमें ये जोड़ दीजिए, जो आएगा उसमें फिर ये जोड़ दीजिए, इस तरह सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है नोट कर लीजिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। बस कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, हमको क्या निकालना है, a30 निकालना है और a20 निकालना है। देखो a30 क्या होता है बच्चों, हाँ एक कम बताया था मैंने, a+29d माइनस a+19d। अब ध्यान से देखो a तो हमारा कट ही जा रहा है इसमें, देख लीजिए प्लस माइनस कट गया, 29 में 19 गए 10d, यानी हमारा d का काम है बस, तो d कितना है बच्चों 7 में 2 गया, 7 में 2 माइनस कर दीजिए 5, तो आंसर कितना आ गया 50। ये बच्चों ऑप्शन में आया था, आसान क्वेश्चन था, करा दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा बच्चे फंस सकते हैं यहाँ पर, ठीक है नोट कर लीजिए इसको।